नमस्कार। हमने संतत यादृच्छिक चरों को देख लिया है, अब हम संतत यादृच्छिक चरों से संबंधित कुछ असमीकाएं प्रस्तुत करेंगे। इनमें से पहली है चेबीशेव असमीका अथवा चेबीशेव इनइक्वालिटी। चेबीशेव असमीका हमारे पास एक यादृच्छिक चर x है जिसका मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा घात दो है, सिग्मा वर्ग है। तब शून्य से बड़े किसी भी एप्सिलन के लिए प्रायिकता इस असमीका का पालन करेगी, अर्थात x के अपने मध्यमान से एप्सिलन से अधिक भिन्न होने बटे एप्सिलॉन स्क्वायर से अधिक नहीं होगी। उपपत्ति हम लिख सकते हैं हमने यह देखा है कि हम इसे प्रायिकता घनत्व फलन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि बराबर है माइनस अनंत से यह। हम जानते हैं प्रसरण की परिभाषा स्वरूप हम यह जानते हैं। अब यह तीनों ऋणेतर संख्याएं होंगी, यह हम साधारण रूप से समझ सकते हैं, अथवा इन तीनों समाकलनों का द्वारा धारण किया गया मान ऋणेतर रहेगा। अर्थात यदि हम यह समाकलन हटा देते हैं तब इसका यह प्रसरण इन दोनों के जोड़ से छोटा नहीं होगा, अर्थात यह। अब क्योंकि यह अर्थात इस समाकलन में प्रयुक्त सभी x के लिए
एक्स माइनस म्यू का वर्ग एप्सिलॉन के वर्ग से बड़ा होगा, अर्थात यह बराबर है अर्थात एवं यह चेबीशेव असमिका की उत्पत्ति है। अगली असमिका जिसकी हम बात करेंगे वह है मार्कोव असमिका अथवा मार्कोव इनइक्वालिटी। यदि x एक ऋणेतर यादृच्छिक चर है अर्थात यदि x शून्य से कम होने पर शून्य होता है तब किसी संख्या अल्फा के लिए प्रायिकता यह उत्पत्ति। हम जानते हैं मध्यमान, यह हम पहले बता चुके हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं। हम जानते हैं मध्यमान बराबर है शून्य से अनंत एक्स अल्फा से अनंत एक्स। यह जानना सरल है। अब यह अर्थात यह असमिका सिद्ध हुई। अब हमने इन दो महत्वपूर्ण असमिकाओं को सिद्ध कर दिया है। हमारा चर्चा का अगला विषय है विलक्षणता फलन अथवा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। एक यादृच्छिक चर x का विलक्षणता फलन phi x मेगा निम्न समाकलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। फाई एक्स ओमेगा बराबर है ई घात जे ओमेगा एक्स जहां एफ एक्स 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 का जे माइनस एक का घनमूल है। यह देखना सरल है कि
एवं ये एक प्रकार का फूरिये परिवर्तन ही है अर्थ एवं इस पर फूरिये परिवर्तन के सभी गुणधर्म लागू होंगे। इसी प्रकार साई एक्स ओमेगा बराबर फाई एक्स एक्स का द्वितीय विलक्षणता फलन हम यह भी देख सकते हैं कि क्योंकि यह एक प्रकार का फूरिये परिवर्तन ही है इसलिए हम प्रायिकता घनत्व फलन को वापस इस समाकलन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस समाकलन के द्वारा हम विलक्षणता फलन को वापस प्रायिकता घनत्व फलन में बदल सकते हैं। हम परिभाषित करेंगे आघूर्ण जनक फलन एक यादृच्छिक चर x जिसका प्रायिकता घनत्व फलन fxx है का आघूर्ण जनक फलन होगा बराबर है प्रत्याशा Sx। अब क्योंकि e घात sx को s के सापेक्ष n बार अवकलित करने पर हमें x घात n e घात sx प्राप्त होगा फलस्वरूप अवकलन बराबर है बराबर है क्योंकि यह अवकलन s के सापेक्ष है एवं यह समाकलन x के सापेक्ष है इसलिए हम यह कर सकते हैं। यह एवं अंततः अर्थात अर्थात यह हमें s बराबर शून्य पर यह हमें x का nवा आघूर्ण देगा। इसी के साथ हमारी विलक्षणता फलन एवं आघूर्ण जनक फलन की चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।